रामेश्वरम तो पहुंच गए हैं और आज सुबह को ट्रेन में उतरे, वहीं पे नहाने धोने का जगह मिल गया था। मंदिर के जस्ट पास पहुंचे हैं, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पड़ा और वहां से हमको पैदल ही आना पड़ा। अब मंदिर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, ये है पीछे में दिख रहा होगा इस तरीके से है, पर पता नहीं कैमरा अलाउड है या नहीं है। ये है सामने का गेट, कुछ इस तरीके से बनाया गया है, देखते हैं अंदर में क्या है। फ्रंट गेट है पहला और इधर भी कुछ इस तरीके से, यहाँ भीड़ है, अभी आदमी लोग आ रहा है। यहाँ ज़्यादातर तमिलनाडु का आदमी मिल जाएगा और तमिल बोलने वाले सब है, देखते हैं अब अंदर जाते हैं। इसके बाद नहीं है फ़ोन बैग कुछ भी नहीं, और यहाँ पे काउंटर टाइप से है, यहाँ पे 10 रुपीस लेता है और उससे क्या होगा कि बैग उग रख देना पड़ेगा यहाँ मोबाइल, इसके बाद भी ये हो पाएगा है। और इसमें क्या है कि आप अपना बैग या फिर अपना सामान रख सकते हैं, और मंदिर के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, तो मंदिर अंदर से नहीं दिखा पाएंगे, बाहर से ही। और भी मंदिर के अंदर जाने के बाद आते हैं, इसके बाद बताते हैं। अंदर वाला भाग तो नहीं दिखाने दिया, और मंदिर से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं बीच की ओर, शायद वहाँ का व्यू आप लोग को दिखा सकते हैं। दूसरी बात यह कि कितना मिल जाता है, 45 रुपीज़ में डोसा, इडली डोसा, और उतना नाम भी नहीं पता यार क्या क्या लोग का होता है, इडली डोसा सांभर वगैरह 45, 60, 70 इसी तरह करके है। और आगे देखते हैं बीच, ये देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे गेट बना हुआ है, और पीछे समंदर ही समंदर है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और दूसरी की काफ़ी लोग भीड़ भाड़ है, और कुछ इस तरीके से रात का भी काम हो रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, और पूरा ये पीछे समंदर है, समंदर ही समंदर तो दिख नहीं रहा है। और इधर इस तरीके से भीड़ भाड़ है, देख सकते हैं। जो भी मंदिर जाने से पहले यहाँ स्नान करके जा रहा है आगे की ओर, हम तो उधर ही नहा लिए थे तो इधर नहीं आएगा, देखते हैं। समंदर तट का व्यू कुछ इस तरीके से है, और उधर जहाज वहाज लगा हुआ है, और इस तरीके से देख सकते हैं। इधर पूजा वूजा करने वाले सब नहा धो रहा है, और इधर सराद का काम हो रहा है, कुछ इस तरीके से है। तो राम सेतु के लिए बस मिल चुकी है, और पीछे में आप देख सकते हैं इधर समंदर है, और इस तरीके से कुछ है दिख रहा होगा। और अभी यहाँ से उतरने के बाद देखते हैं किधर मंदिर है, जाते हैं अभी पहुँचने में थोड़ा सा बाकी है। सेतु एंडिंग पॉइंट ये है इसका, इस तरीके से कुछ है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, ज़्यादातर फ्रूट्स का चीज़ मिलेगा, और यहाँ पे एक स्तंभ टाइप से बना हुआ है ये भारत का, और यही सब है, जगह जगह पर मिल जाएगा। और चारों साइड समंदर है, और इस तरीके से इधर कुछ चीज़ें खाने के लिए रखा गया है, और ये है पीछे समंदर पूरा, बहुत ही मस्त नज़ारा, क्या बताएं हम तो। ये देखो कैसे एकदम वाइट वाइट ही हो रहा है। बाकी समंदर तो ठीक ठाक है, पर इधर का कुछ नज़ारा इस तरह कैसे है कि इसे गोल गोल राउंड राउंड से पानी तो घूम रहा है, ये वाला पानी तो जो है इधर इधर की ओर जा रहा है, और इस तरीके से कुछ है। अरे बाप,
घूम रहा है इसमें, कहाँ बालू घूम रहा है ना, उस जगह बालू है उठो। हाँ बालू है। ओ हमको लगा उस जगह कुछ और है, वाइट हो गया उस जगह, स्टोर हो गया बालू कुछ इस तरीके से। पूरा समंदर आज का ब्लॉग यहीं एंड होगा और फिर देखते हैं अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, इस तरीके से कुछ है।